कैसे आप सब, मैं आपका भाई निकू और आप देख रहे हो निकू व्लॉग्स। तो गाइस फाइनली मेरा रूम और बाथरूम तो रेडी हो गया है, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो गया रूम का। यहाँ का ना फिनिशिंग बाकी है और ये बेड भी बन गया। और रूम जैसे फिनिश हो जाएगा ना, वैसे गाइस गेमिंग का सामान लेने चलेंगे सारा और यहाँ पे गेमिंग सेटअप लगाएंगे मस्त वाला। बाकी गाइस जब पिछली बार पैंथर को जो मिलवाया था ना, दोनों का साइज ना भाई बराबर ही था। आज गाइस दोबारा से मिलवा रहे हैं, हाइट में फर्क देखेंगे पैंथर और जोजो की और रिएक्शन देखेंगे इस बार क्या रिएक्शन होगा। गाइस ये देखो भाई रिया और जोजो कैसे सो रहे हैं। अब जोजो है ना भाई सबको पाड़ता है, सबको, रिया को नहीं पाड़ता, बाकी सबको पाड़ता है। और ये देखो कितनी आराम से सो रहे हैं रिया के पास। ऐसे मैं सुला लूं ना तो मेरे को बहुत ज्यादा बुड़के भर देगा ये। गाइस फिलहाल पापा भी सो रहे हैं। जोजो जोजो गाइस ये देखो आज तो कमाल हो गया, चिन्नू पढ़ाई कर रहा है बाहर बैठ के। पिटाई उटाई हुई है क्या इसकी? ये पढ़ता नहीं है ना कभी भी, बस फोन में ध्यान देता है। इंग्लिश कर रहा है, साइंस का। गाइस चीनू कह रहा है कि साइंस इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। कितने मार्क्स आते हैं तेरे साइंस में? ट्वेंटी में से 10, तो ये अच्छे मार्क्स है। गाइस ये कह रहा है कि 20 में से 10 आए थे और अच्छे मार्क्स है ये। फेवरेट है तो 20 में से कम से कम 19 तो आने चाहिए। गाइस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ना भाई ज्योग्राफी था, उसमें ना मेरे भाई 100 में से ना 92 के आसपास आते थे। ये देखो गाइस ये क्या चुन्नी बुन्नी पहन के आ गई भैया, भानगढ़ में जाके कैसे लगा? भानगढ़ में गाइस ये बात तो मैं बताने ही भूल गया, मतलब वहां तो कुछ भी मतलब इतना फील नहीं हुआ, बस एंड में थोड़ी पायल वाली की आवाज आ रही थी। पर जब मैं एडिटिंग करने बैठा ना तो भाई मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस करी उसमें ना भाई, लिटरली परछाई भी दिखने लग रही चलती हुई। गाइस ये देखो भाई चिकी क्या कर रही है, क्या कर रही है तू? कह रही है पान बना रही हूँ। अच्छा एक पान बना दे मेरे लिए। कितने रुपए लगेंगे पान बनाने के? गाइस ये ना मिट्टी से खेलते रहते, कभी मिट्टी का छोक लगाते हैं, कभी मिट्टी की सब्जी बनाती है, आज मिट्टी का पान बना रही है ये। तो गाइस ये देखो भाई फाइनली हमारा पान आ चुका है मिट्टी वाला। पता नहीं पत्ता कहाँ से तोड़ लाई है, वहां से तोड़ के लाई है। मिट्टी वाले पान को हमने फेंक दिया यहाँ पे। और रोकी बाहर कैसे आ गया, खुला छोड़ रखा था ये, क्या दिक्कत है? मेरे पर नहीं भाई, मेरे पर नहीं भाई, रुक ले पकड़ पकड़, रुक ले पकड़। अरे नहीं, ओ नाले में दस क्या बोल, वो नाले में दस क्या गाइस, वो नाले में दस क्या गया हो गाइस, वो ना सीधा नाले में कूद गया। जैसे नाले में गया ना वैसे मैं डर गया कि भाई अब तो कपड़े गंदे करेगा सबके। वो पेंथू, सो गाइस पेंथू तो आ गया है अभी ना भाई, इसके इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। आज इसकी ड्यू डेट है, फिर ना इसको जो जो से मिलवाएंगे आज। फाइनली भाई पैंथर के इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह तो दिलवा दिया है। जा चीनू जोजो के लिया। जोजो आ गया। पैंथर जोजो आ गया। पीछे मत जा। ये क्या कर रहा है? मान नहीं रहा। पैंथर मेरे दोस्त मेरे दुश्मन। ओ मान जा भाई। ओ छुटंगे से। ओ छोटे डॉन। भाई चाचा ने जोजो को पकड़ रखा है। सामने हमारा पैंथर भी आ गया है। अभी ना भाई ड्रैगन को भी लेके आ रहे हैं। यहाँ पे ना अपने बड़े बड़े डॉग्स घुमाते थे, आज भाई छोटे कुत्ते घुमाएंगे। छोड़ क्यों दिया? ओ ये देख पैंथर। ओ भाई, ओ भाई पैंथर कितना बड़ा हो गया जोजो से। अरे कहाँ भाग गए? ये दोनों तो खेलने लग गया आपस में। ड्रैगन को लिया, छोड़ियो मत ड्रैगू। गाइस ये देखते भाई ड्रैगू सबसे पहले किसकी तरफ जाएगा? वो जोजो की तरफ जा रहा है। ओ भाई ओ ओ ओ, ओ दूर कर ले। ड्रैगन ना जोजो की तरफ जा रहा है पहले। ओ भाई कर रहा है उसपे। ओ भाई गाइस ये देखो भाई ड्रैगन पे कैसे कर रही है। ओ भाई गाइस अभी ना भाई सीन हो गया था, ड्रैगन ना भाई जोजो को डरा रहा है और पैंथर ड्रैगन की तरफ भाग रहा है। ओ भाई ओ ड्रैगन को भगा रहा है। ओ भाई वो पैंथर ड्रैगन को गिरा दिया। वो जोजो के पीछे पड़ रहा है, पैंथर ड्रैगन के पीछे पड़ रहा है। ओ नहीं दूर मत भागो भाई। अरे जोजो बचका ने काय को भोग रहा था रे उस दिन मेरे ऊपर, पहले तू तमीज में बात कर। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, शैतान है ना जोजो। अरे बहुत ज्यादा शैतान है ये, तो इसके साथ खेलने की सोच रही है, दांत मारने की सोच रहा है। ड्रैगन भी बुड़का नहीं भर रहा, पैंथर भी बुड़का नहीं भर रहा, और जोजो इन दोनों का बुड़का भर रहा है। जोजो के अंदर क्या आ रहा है, बदमाश बन रहा है ये छोटा डोन। गाइस अभी ना भाई रॉकी को बाहर बुला रहे हैं। ओ रॉकी भाग गया। ओ भाई वो बस है, वो सूर के पीछे पड़ गया। ओ भाई रॉकी। ओ भाई गाइस ये रॉकी मस्त है, सबको परेशान कर देता है। ओ जोजो को परेशान कर रहा है, छोड़ियो मत जोजो को। ओ भाई बस रॉकी बस। ओ भाई बस रॉकी बस। गाइस एक गुड न्यूज है, रॉकी है ना हमारे घर पे मेहमान की तरह आया था, पर गाइस फाइनली हमने ले लिया है तो रॉकी अब हमारा हो गया है। और गाइस तुम सब कमेंट करके बताने की भाई रॉकी ठीक लिया या नहीं लिया। ओ भाई जोजो कैसे पकड़ लिया मैंने। ओ भाई बस रोकी। ओ भाई जा। ओ भाई ओ खुला छूट गई है।
भाई जी ना भाई पुड़का भरने वाला था। जोजो क्या हुआ, वो तेरे पर क्यों भौंक रहा है जोजो? मैं ड्यूक को बुलाऊंगा ना, पता चल जाएगा। ड्यूक को बुलाएगा तू? हाँ ड्यूक को बुलाने वाला हूँ मैं। गाइस हमने ना भाई जोजो को अंदर भेज दिया है, क्योंकि भाई रॉकी ना बार बार जोजो के ऊपर चढ़ रहा था। और गाइस ये देखो भाई, वो रॉकी के डर से काम पे चढ़ गया। हाँ ओ भाई रॉकी ऊपर चढ़ गया। ओए रॉकी, ओ भाई गाइस ये फिर से जोजो को लिया आया आशु। ओ भाई गाइस जोजो को तो ऊपर बिठा दिया गाड़ी के। ये देखो भाई जोजो पीछे नहीं हट रहा, आगे क्यों आ रहा है जोजो? ओ भाई वो चढ़ गया। बस अरे यार नंबर प्लेट तोड़ दी। ओ भाई बस मुझे पता है तेरे अंदर गुस्सा है। गाइस एक चीज बताओ, मैं सोच रहा हूँ ड्यूक और रॉकी की दोस्ती करवा के दोनों को एक साथ बांध देंगे और मेरे को खींच के ले जाएंगे। कमेंट करके बताने कि भाई इन दोनों की दोस्ती करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि भाई ड्यूक और रॉकी को ना एक साथ ही रखना चाहता हूं मैं। ये तो भाई आपस में ही लड़ाई करेंगे। मैं चाहता हूं कि भाई कभी भी बाहर का कुछ भी हमला हो ना तो ये आपस में एक दूसरे की हेल्प करे, ना कि भाई आपस में ही लड़े। और ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे कि मेरे को दोनों के बांध के और घिसड़ाएंगे। और गाइस एक चीज और, ये प्लॉट के साइड में बहुत सारे सांप खतरनाक जानवर रह रहे हैं, वो ना अंदर भी जा सकते हैं प्लॉट के, कुत्ते वगैरह सब रहते हैं हमारे, तो कुछ भी हो सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ना कोई सांप वाप ना सब भाग जाए यहाँ से, यहाँ का तो कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। आशु क्या करना चाहिए यहाँ का? आग लगा दो सारे में। आग लगा दो, आग लगा दो भैया, आग लगा दो भैया, ये जल जाएगा सारा। सही बात है, यहाँ पे मैंने आग लगा दी ना एडवांस में आगे भाग जाएंगे, जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, आग भी लग जाएगी और एक क्लियर भी हो जाएगा सारा। तो गाइस एक काम करता है भाई, अभी इसमें आग लगाते हैं। गाइस अभी फिलहाल ना भाई आशु पेट्रोल लेने गया है, यहाँ पे आग लगाने के लिए काम आएगा। इतने ना गाइस ड्यूक को ना भाई साइकिल से बांधते हैं, उसके साथ साथ चलूंगा मैं साइकिल पे। सो गाइस ड्यूक भी आ गया है, अभी फट्टा बांध रहे हैं और फिर मस्त ड्यूक को घुमाएंगे। गाइस सारी बात तो ठीक है, मतलब मेरे को ना जोजो और ड्यूक की जोड़ी अच्छी लगती है बहुत ज्यादा। आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड भी है, वो भी ब्राउन, उसके अंदर भी ब्राउन, दोनों व्हाइट ब्राउन है। ड्यूक ना जोजो को कुछ भी नहीं कहता। वो ये देखो गाइस जोजो ना प्यार कर रहा है ड्यूक को। ऐसा नहीं है कि भाई ड्यूक से डर रहा है इसलिए नहीं भोंक रहा, ड्यूक को ना कुछ मानता है, ये बहुत पहले भोंकता था ड्यूक पे, अब नहीं भोंकता। ये देखो गाइस कितनी अच्छी दोस्ती इनकी, इनकी जोड़ी बहुत मस्त लगती है मेरे को। अभी ना भाई जोजो पे कोई भी भोंकेगा ना ड्यूक उसके ऊपर अटैक कर देगा। गाइस फाइनली भाई आशु भी आ गया है पेट्रोल लेके, डीजल मिक्स है ना। गाइस पहले टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चलेगा नहीं चलेगा। चलेगा। ओ भाई आवाज आई भाई बहुत तेज की। गाइस ये देखो कैसे फेंक रहे हैं, आशु कैसे फेंक रहा है। ओ भाई अब आग लगा दे थोड़ी सी, चेक कर लेते हैं ऐसे ही। सारे दूर हो जाओ, ये भी दूर कर लो ये। ओ भाई ओ शिट, ओ भाई हाँ ये तरीका ठीक है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ शिट गाइस देख रहे हो। बस आशु बस, ओ भाई गाइस फिलहाल आग तो लगा दिया है, कई सारे कीड़े वगैरह सांप वगैरह भाग गए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। गाइस फिलहाल 10 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। ठीक है भाई बेटा। क्या कर रही है वो जोजो? नहा रही थी जोजो। सो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूँ घर पे और अभी मैं खा रहा हूँ खाना। गाइस आज खाने में शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी और रायता। ये देखो भाई शिमला मिर्च कैसी है, बिल्कुल साबुत शिमला मिर्च है, इनके अंदर मम्मी ने आलू भर रखे हैं। आज मस्त वाली शिमला मिर्च खाएंगे, वैसे मेरे को इन अंदर के आलू बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और साथ में रायता भी है। तो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ खाना और खाना खा के बात करते हैं आपसे। तो गाइस खाना तो मैंने खा लिया है और अभी मैं कर रहा हूँ एडिटिंग। अभी 1:20 हो रखे हैं, एडिटिंग करते करते ना सुबह के 5 बज जाएंगे। और गाइस बाकी आज पैंथर जोजो और ड्रैगन को तीनों को एक साथ मिलवा दिया। पैंथर ना ड्रैगन पे अटैक कर रहा, ड्रैगन को पछाड़ भी दिया। ड्रैगन ना भाई 8 से लेकर 9 महीने के आसपास हो रखा है और 2 महीने के पैंथर ने ड्रैगन को आराम से पछाड़ दिया, नीचे दबा रहा था बार बार। ये देख लो भाई पैंथर के अंदर कितना दम है, कितना ज्यादा मतलब खतरनाक बनेगा ये बड़ा होके, इसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और गाइस काफी सारे अपनी गैंग वाले भाई ना एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी बताओ। तो गाइस ये देख लो भाई, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी व्लॉग्स के नाम से ही है। इस पर मैं मस्त मस्त वीडियो डालता रहता हूँ एक्टिंग वगैरह की। ये देखो ये डाली थी मैंने लास्ट बार, फर्स्ट टाइम देखने के बाद कोई जिंदा रहता है दोबारा मिलने का चांस ही नहीं देता। तो भाई ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। अभी ना भाई 1:24 हो रखे हैं और अभी बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, वीडियो को एंड करते हैं यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।